हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ गर्मियों के बहुत ही खास एनर्जी ड्रिंक की रेसिपी, वो भी खास टिप्स के साथ। खास टिप्स को जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं पोस्ता दाना ठंडाई की रेसिपी, जिसे हम खसखस भी बोलते हैं। यहाँ मैंने 5 टेबल स्पून खसखस ली है, 10 बादाम, 1 से 2 चम्मच तरबूज के बीज या खरबूज के बीज भी ले सकते हैं, 1 बड़ी चम्मच सौंफ, थोड़ी सी किशमिश, 7 से 8 काली मिर्च, 3 हरी इलायची, 5 काजू। 1 चम्मच पोस्ता दाना से 1 ग्लास ठंडाई बनकर तैयार हो जाएगी आराम से। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 बड़ा सा बोल। सबसे पहले इसके अंदर डाल देंगे ये खसखस, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये सारे ड्राई फ्रूट्स। सारी चीज़ें हम एक ही बाउल में डाल देंगे, सिर्फ हरी इलायची को हम छीलकर डालेंगे, मीन्स इसके दाने निकाल कर डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप सारी चीज़ों को इसके अंदर एक साथ डाल दें और इलायची को इस तरह से दाने निकाल कर डालें। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 ग्लास पानी, 1 से 1.5 ग्लास पानी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, 1 ग्लास पानी वैसे इनफ है। अब हमें इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका ढक्कन लगाकर इसे ओवरनाइट भीगने के लिए रख देना है ताकि अच्छे से फूल जाए। और अब मैंने यहाँ पर एक अलग से बाउल लिया है, उसके अंदर हम डालेंगे ये केसर। केसर के स्ट्रेंथ आप अपने हिसाब से थोड़े कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी रात भर भीगने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छा सा इसका कलर छोड़ दे। ये देखिए, नेक्स्ट आपके सारे ड्राई फ्रूट्स पोस्ता दाना बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। अब हम बादाम के बहुत ही अच्छे से छिलके निकाल पाएंगे। इस तरह से आपको सारे बादाम के छिलके उतार लेना है पहले। ये देखिए, इस तरह से आपको सारे बादाम के छिलके निकाल लेने हैं। उसके बाद हम इसे छान लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, इसके ऊपर ऐसे छलनी ली है और इसके ऊपर ऐसा कपड़ा रख के, और फिर आप इसे अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसका जितना भी गंदा पानी है खसखस का वो सब निकल जाए, अलग हो जाए। आप चाहे तो इस पानी को पेड़ पौधों को पिला सकते हैं, आप इसे डायरेक्टली नाली में फेंके ना। ये देखिए कितना गंदा पानी इसका निकला है, लेकिन ये पानी भी काफ़ी पौष्टिक है। बस इसे मैं पौधों के अंदर डाल दूँगी। अब मैंने यहाँ पर चटनी वाला जार लिया है, आप दूसरा वाला जार भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें इतना अच्छे से आपके पिसाएगा नहीं, इसलिए जहाँ तक हो सके आप भी चटनी वाला जार लें और सारे इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर डाल दें और इसे आप पीस लें फिर बहुत ही अच्छे से। ये देखिए, मैंने ये जो केसर अलग से भिगोई थी वो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने ली है थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। पानी आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा करके, जैसे भी करके धीरे धीरे करके इसे पीसना है। ठंडाई की खास टिप यही है कि जब आप इसे पीसते हैं मिक्सर को, तब आपको मिक्सर को कंटिन्यू नहीं चलाना होता है। अगर आप मिक्सर को कंटिन्यू चलाएंगे तो आपकी ठंडाई जो है वो कड़वी हो सकती है, इसमें कड़वाहट आ सकती है। बस आपको इस बात का बहुत ही ज़्यादा खास ध्यान रखना है कि आप जब इसे पीसें तो इसे पल्स दे देकर पीसें, मतलब मिक्सर को रुक रुक कर चलाएं, कंटिन्यू ना चलाएं, और इसमें पानी ऐड करते रहें और इसे चलाते रहें, रुक रुक कर चलाते रहें। और एक बार जब आप इसे अच्छी तरह से पीस लें रुक रुक कर एक टर्न में, उसके बाद आप इस तरह से कोई भी सूती कपड़ा ले लें और उसके अंदर इसको डाल के और उसका अच्छे से पोस्ता दाना का कस आपको निकालना है। बहुत सारा इसके अंदर दूध होता है जिसे हम कस भी बोलते हैं, तो इसका सारा दूध मिक्सचर का, पोस्ता दाना का, काजू बादाम ड्राई फ्रूट सभी का अच्छी तरह से एक बारी से ऐसे निकाल लें। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएँ। यहाँ पर मैंने बिल्कुल चिल्ड वाटर लिया है, बिल्कुल ठंडा पानी आपको यहाँ पर लेना है और इस तरह से बहुत ही अच्छे से इसका दूध निकाल लेना है, सारा कस निकाल लेना है। देखिए किस तरह से पोटली में घुमाती जा रही हूँ और इस तरह से आपको धीरे धीरे करके सारा कस निकाल लेना है। ये ठंडाई हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इससे हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। इसके अंदर हमने सौंफ का इस्तेमाल किया है जिससे कि हमारे शरीर में, हमारे पेट में बहुत ठंडक रहती है। और इसके अंदर हम बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करते हैं जिससे हमारी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, हम काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं उनसे। ये देखिए, मैंने एक बार सारे पोस्ता दाना का जो कस है वो निकाल लिया है। अब हम
एक बार और इसे मिक्सी जार में डालकर थोड़ा और पानी ऐड करके इसे एक बार और पीसेंगे, क्योंकि एक ही बार में इसका सारा कस अच्छे से नहीं निकलता है और हम इसे कंटिन्यू चला भी नहीं सकते, वरना हमारी पोस्ता दाना जो है कड़वाहट देने लगेगी, हमारी ठंडाई बेकार हो जाएगी। इसलिए देखिए, मैंने इसे दूसरी बारी में, दूसरे राउंड में इसे फिर से पीस लिया है। बस इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पीसेंगे, वरना हमारी ठंडाई ख़राब हो सकती है। बस इसके अंदर फिर से हम पानी ऐड करेंगे और फिर से इसे सेम प्रोसेस दोहराएंगे, फिर से इसे छान लेंगे, इसका सारा कस निकाल लेंगे। ये खसखस वाली ठंडाई आपको ज़रूर बनानी चाहिए, ख़ास तौर पर जो हाई बीपी वाले लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, उनकी बीपी कंट्रोल में रहती है और इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो आपको एनर्जेटिक फील करवाते ही हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ख़ास तौर पर गर्मियों में, तो आप इसे ज़रूर ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये गर्मियों में ही पीने के लिए होती है। ये देखिए, मैंने इसका सारा कस जो है निकाल लिया है। बस इससे ज़्यादा हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, वरना हमारी ठंडाई जो है वो बहुत पतली हो जाएगी। अब हम इसमें और पानी ऐड नहीं करेंगे। अब ये जो पोस्ता दाना है इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। आप इसे फेंके ना, ये वेस्ट नहीं है, आप चाहें तो इससे हलवा बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ली है साबुत मिश्री, जिसे कि हम पीस लेंगे। और इस ठंडाई में मैंने टोटल 750 ml पानी लिया है और 250 ml मैंने यहाँ पर दूध लिया है। ये दूध बिल्कुल चिल्ड है, इसे मैंने सुबह गर्म किया था, उसके बाद फ्रीज में रख दिया था। 750 ml पानी और 250 ml दूध, टोटल 1 लीटर लिक्विड का हमने यूज़ किया है इसके अंदर। ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है, वरना हमारी ठंडाई जो है पतली हो जाएगी अगर हम इसमें और पानी का ऐड करते हैं तो। ये देखिए, मैंने यहाँ पर मिश्री को भी पीस लिया है। अब 5 चम्मच हमने यहाँ पर पोस्ता दाने लिए थे और 5 ही चम्मच हम इसमें फुल चम्मच भर के हम इसमें मिश्री डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने किशमिश का भी यूज़ किया है तो थोड़ी बहुत मिठास उसके अंदर भी होती है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है, उसके अलावा आप कमियाँ ज़्यादा सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपकी ठंडाई बहुत ही अच्छी बनेगी। हमने यहाँ पर केसर को भी अलग से इसीलिए भिगोया था, क्योंकि अगर हम केसर को भी सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ भिगोते हैं तो हमारे केसर का पानी जो है वो वेस्ट हो जाता, फेंकने में जाता। इसीलिए हमने उसे अलग बॉल में भिगोया था केसर को, उसके बाद पीसते वक्त इसे यूज़ किया था। आपकी ठंडाई पीने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठंडी ठंडी ठंडाई आप सर्व करें। अब एक और ख़ास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको इसे स्टोर करके बिल्कुल भी नहीं रखना है, सेम डे आपको इसे यूज़ करना है, वरना ये ख़राब हो जाएगी आपकी ठंडाई। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिना लाइक किए आप मत जाइएगा, अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो। इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।